मैं अनीता। आज हम एक फरसान बनाने वाले हैं जो है बेसन पापड़ी। ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है और बच्चों को बहुत अच्छी लगती है क्योंकि इसमें कोई मिर्ची वगैरह नहीं होती है और जल्दी भी बन जाती है। सो क्यों ना बनाया जाए। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा 200 ग्राम जितना बेसन और उसमें हम थोड़ा सा यूज़ करेंगे कॉर्नफ्लावर। चलिए मिक्स कर लेते हैं। पहले इसके लिए मैंने ये 2 कप रेगुलर बेसन होता है वो लिया है। अराउंड मेजरमेंट से देखें तो 100 ग्राम्स जितना एक कप में आता है, तो 200 ग्राम्स लिया है। और इसमें हम डालेंगे कॉर्नफ्लावर। 4 चम्मच हम कॉर्नफ्लावर के डालेंगे भर के, मतलब एक कप पे आप समझिए 2 चम्मच टेबल स्पून जितने हैं उतने हम डालेंगे। तो 4 टेबल स्पून हम इसमें कॉर्नफ्लावर डालेंगे। सॉल्ट डालेंगे टेस्ट के हिसाब से और इसमें मैं डालूंगी 1/4 टीस्पून हींग। ये ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं पसंद है तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं, पर इससे थोड़ी गैस वगैरह नहीं होती, इसलिए बेसन की चीज़ है तो मैं ऑलवेज प्रेफर करती हूँ डालना। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक बार। इसमें आपको जो नॉर्मल बेसन है वही लेना है, मोटा बेसन नहीं लेना है। अब इसमें हम डालेंगे 4 टेबलस्पून जितना ऑयल और 4 मिक्स कर लेंगे इसे भी। इसका हमें एक सॉफ्ट डो बनाना है। मैंने 1 कप पानी लिया है, देखते हैं कितना लगता है इसमें। ये हमारा हो गया है 1/2 कप जितना ही पानी लगा है, ज़्यादा नहीं लगा है। थोड़ा सा हम इसको ऊपर से थोड़ा सा पानी लगा के इसको 5 मिनट रेस्ट देते हैं, फिर इसका बना लेंगे पापड़ी। 5 मिनट हो चुके हैं। इसके लिए मैंने ये जो एसी वाली जो जाली आती है ये वाली ली है क्योंकि हमें पापड़ी बनानी है। ये हम ले लेंगे और इसको हम लगा देंगे इसमें से जॉइन कर लेंगे। इसको हम अंदर से भी ऑयल लगा देंगे ताकि वो चिपके ना अच्छी तरह से। अब हम ये देखिए हमारे जो डो है एकदम सॉफ्टी है, इसको हार्ड नहीं बनाना है बिल्कुल भी। इसको हम लेंगे और इसके अंदर डाल देंगे। पूरा दबा के नहीं फिल करना है, अराउंड 3/4 जितना ही फिल करना है। इसको अच्छे से बंद कर देंगे। इसको ध्यान रखना है कि अच्छे से बंद हो। आपके पास जो भी हो बनाने का, सेव बनाने का है जो भी हो, उसको अच्छे से टाइट बंद कर दीजिए नीचे से और ऊपर से। तेल मैंने गरम करने रख दिया है, बना लेते हैं। तेल हमारा गरम हो चुका है, इसे हम हाई फ्लेम पे ही डालेंगे। ये देखिए ऐसे, बहुत ज़्यादा नहीं डालने हैं, थोड़े से सिर्फ 2 राउंड बना के और छोड़ देना। इसे पलट देंगे। इसका कलर वैसे लाइट ही होता है तो ज़्यादा हमको उसको फ्राई नहीं करना है, पर थोड़ा सा क्रिस्पी चाहिए इसलिए हम उसको 1-2 बार पलटेंगे। बस ये हमारा हो चुका है, निकाल लेते हैं। इसका कलर देखिए ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। अब आपको लगेगा थोड़ा सॉफ्ट है ऐसा, पर ठंडा होने से क्रिस्पी हो जाता है। फिर डाल देते हैं दूसरा। तेल गर्म ही होना चाहिए नहीं तो वो नीचे बैठ जाएगा, फिर आपका वो अच्छे से फूलेगा नहीं। थोड़ा सा ऐसे प्रेस करना है ऐसे ताकि वो अच्छे से नीचे चला जाए ऑयल में। अब उसको पलटा देंगे। निकाल लेते हैं, हो गया। इसी तरह बाकी का भी फ्राई कर लेते हैं। ये हमारी सब हो चुकी है, निकाल लेते हैं।
फ्लेम ऑफ कर देंगे और ये पापड़ी रेडी। ये हमारी बेसन पापड़ी रेडी है, बाजार से भी ज्यादा टेस्टी। मैं उसे टेस्ट करके बताती हूँ। ये देखिए कितना क्रिस्पी भी है, ये देखिए क्रिस्पी भी है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी होता है, क्योंकि उसमें हमने ना ही सोडा डाली है, ना ही कुछ और केमिकल्स या कोई प्रिजर्वेटिव्स डाले हैं। ये नेचुरल बनी है तो बहुत अच्छी भी है, हेल्थ के लिए भी अच्छी है और टेस्ट में भी बहुत अच्छी है। क्रिस्पी एकदम अच्छी है। बारिश के हिसाब से आपको उसको जल्दी से एयरटाइट में रखना पड़ेगा, नहीं तो थोड़ा सा सॉगी हो जाता है बारिश की वजह से, नहीं तो बहुत ही अच्छी बनती है। मैं उसे एयरटाइट में बंद करती हूँ, आप उसे ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ओके बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, एन्जॉय।